चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऐसे अकेले कथा लेखक जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर साहित्य को नई दिशा और आयाम प्रदान किए। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं साहित्य की दुनिया के जाने माने लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। परीक्षा देने के पीछे और उसका फल निकलने के पहले के दिन किस बुरी तरह बीतते हैं, यह उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन्हें गिनने का अनुभव हुआ है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक कितने दिन गए, यह गिनते हैं, और फिर कहावती 8 हफ्तों में कितने दिन घटते हैं, यह गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए, यह भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई, कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे, न जागते चैन न सोते। सपने में भी यह दिखता है कि परीक्षक साहब 1-8 हाथ की लंबी छुरी लेकर छाती पर बैठे हुए हैं। मेरा भी बुरा हाल था। LLB का फल अब की और भी देर से निकलने को था। न मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच के पीछे सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ करें, नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों न हो गया। रात भर नींद नहीं आई थी, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा कि देखता क्या हूं कि लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियां उल्टी छाप दी हैं। बस अब नहीं सहा गया, सोचा कि घर से निकल चलो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा उठाया कि चल दिए। 3-4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह और कहीं कुओं पर खेतों को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदारों के पत्तों की सौंध ही बांस और कहीं उनमें हवा का सीसी करके बजना, सबने मेरे चित्त को परीक्षा के भूत की सवारी से हटा लिया। बाइसिकल भी गजब की चीज है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहां तक पैरों में दम हो। सड़क पर कोई था ही नहीं, कहीं कहीं किसानों के लड़के और गांव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। मैंने बाइसिकल को और भी हवा कर दिया। सोचा कि मेरे घर सीतापुर से 15 मील की तरफ बर्फ अच्छी होती है और वहीं मेरे मित्र रहते हैं। वे कुछ सनकी हैं, कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की चर्चा करता है तो अपने सिद्धांत के मंडन का व्याख्यान देने में लग जाते हैं। चलो उन्हीं से सिर खाली करें। ख्याल पर ख्याल बनने लगे। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता कहते हैं कि सेठ गणेश लाल की इकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पड़ोसी कहते थे कि सेठ जी की लड़की कानी और मोटी है और 8 ही बरस की है। पिता कहते हैं कि लोग जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं और लड़की वैसी हो भी तो क्या। सेठ जी के कोई लड़का है नहीं, 20-30 हजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ साथ पहले डिबेटिंग क्लबों में बाल विवाह और माता पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब मारे लज्जा के साथियों में मुंह नहीं दिखाते थे, क्योंकि पिताजी के सामने ची करने की हिम्मत थी नहीं। व्यक्तिगत विचार से साधारण विचार उठने लगे। हिंदू समाज ही इतना सड़ा हुआ है कि हमारे उच्च विचार कुछ चल ही नहीं सकते। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हमारे सद्विचार एक तरह पशु हैं, जिनकी बलि माता पिता की जिद और हट की वेदी पर चढ़ाई जाती है। भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता।
थिस एकदम अर्श से फर्श पर गिर पड़े। बाइसिकल की फोंक निकल गई, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। पंप साथ नहीं था और नीचे देखा तो जान पड़ा कि गांव के लड़कों ने सड़क पर ही कांटों की बाड़ लगाई है। उन्हें भी दो दो गालियां दी, उससे तो पंचर सुधरता नहीं। कहां तो भारत का उद्धार हो रहा था और कहां अब काला नगर तक इस चरखे को खींच कर ले जाने की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखता। पास के मील के पत्थर पर देखा कि काला नगर यहां से 7 मील है। दूसरे पत्थर के आते आते मैं बेदम हो लिया था। धूप जेठ की और कंकरीली सड़क जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर किसी बारीक पिसी हुई सफेद पॉलिश चढ़ गई। लाल मुंह को पोंछते पोंछते रुमाल भीग गया और मेरा सारा आकार सभ्य विद्वान का सा नहीं वरन सड़क कूटने वाले मजदूर का हो गया था। सवारियों के हम लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि 2-3 मील चलते ही छठी का दूध याद आने लगता है। बाबूजी, क्या बाइसिकल में पंचर हो गया है? एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए पसीने की बूंदें, गर्मी की चिड़ और काली रात की सी लंबी सहू। मैंने देखा ही नहीं था कि दोनों ओर क्या है। यह शब्द सुनते ही सिर उठाया तो देखा कि 16-17 वर्ष की कन्या सड़क के किनारे खड़ी है। हाँ, हवा निकल गई और पंचर भी हो गया है। पंप मेरे पास है नहीं, कालानगर कुछ बहुत दूर तो है नहीं, अभी जा पहुंचता हूँ। अंत का वाक्य मैंने सिर्फ ऐंठ दिखाने के लिए कहा था। मेरा जी जानता था कि 5 मील 500 मील कैसे दिख रहे थे। इस सूरत से तो आप कालानगर के कलकत्ते पहुंच जाएंगे। जरा भीतर चलिए, कुछ जल पीजिए, आपकी जीप सूखकर तालों से चिपट गई होगी। चाचा जी की बाइसिकल में पंप है और हमारा नौकर गोविंद पंचर सुधारना भी जानता है। नहीं 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 क्या? हाँ हाँ, यूं कहकर बालिका ने मेरे हाथ से बाइसिकल छीन ली और सड़क के तरफ होली। मैं भी उसके पीछे चला। देखा कि एक कटीली बाड़ से घिरा बगीचा है जिसमें एक बंगला है। यहीं पर कोई चाचा जी रहते होंगे, परंतु यह बालिका कैसी? मैंने चश्मा रुमाल से पोछा और उसका मुंह देखा। पारसी चाल की एक गुलाबी साड़ी के नीचे चिकने काले बालों से घिरा हुआ उसका मुखमंडल दमकता था और उसकी आंखें मेरी ओर कुछ दया, कुछ हंसी और कुछ विस्मय से देख रही थी। बस पाठक, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। मानो वे मेरे कलेजे को घोल कर पी गई। एक अद्भुत कोमल शांति ज्योति उनमें से निकल रही थी। कभी एक तीर में मारा जाना सुना है? कभी एक निगाह में हृदय बेचना पढ़ा? कभी तारा मैत्रिक और चक्षु मैत्री नाम आए हैं? मैंने एक सेकंड में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुंदर आंखें त्रिलोकी में न होंगी, और यदि किसी स्त्री की आंखों को प्रेम बुद्धि से देखूंगा तो इन्हीं को। आप सीतापुर से आए हैं, आपका नाम क्या है? मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ, आपके चाचा जी। ओहो बाबू, जयदेव शरण वर्मा बीए, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे, बिना भोजन किए आपको न जाने देंगे। और आपके ग्रंथ के पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बड़ा है, इस पर कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे। स्त्री के सामने उसके नैहर की बड़ाई कर दें और लेखक के सामने उसके ग्रंथ की, यह प्रिय बनने का अमोघ मंत्र है। जिस साल मैंने बीए पास किया था उसी साल कुछ दिन लिखने की धुन उठी थी। लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेक्शन और कोर्ट की परवाह न करके एक सुखमय जीवन नामक पोथी लिख चुका था। समालोचकों ने आड़े हाथों लिया था और वर्ष भर में 17 प्रतियां बिकी थी। आज मेरी कदर हुई कि कोई उसका सराहने वाला तो मिला। इतने में हम लोग बरामदे में पहुंचे, जहां पर कंटोप पहने पंजाबी ढंग की दाढ़ी रखे एक अधेड़ महाशय कुर्सी पर बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे। बालिका बोली, चाचा जी, आज आपके बाबू जयदेव शरण वर्मा बीए को साथ लाई हूं।
इनकी बाइसिकल बेकाम हो गई है। अपने प्रिय ग्रंथकार से मिलाने के लिए कमला को धन्यवाद मत दीजिए, दीजिए उनके पंप भूलाने को। वृद्ध ने जल्दी ही चश्मा उतारा और दोनों हाथ बढ़ाकर मुझसे मिलने के लिए पैर बढ़ाए। कमला जरा अपनी माता को तो बुला ला। आइए बाबू साहब आइए, मुझे आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। मैं गुलाब राय वर्मा हूं, पहले कमसेरियत में हेड क्लर्क था, अब पेंशन लेकर इस एकांत स्थान में रहता हूं, दो गौ रखता हूं और कमला तथा उसके भाई प्रबोध को पढ़ाता हूं। मैं ब्रह्म समाजी हूं, मेरे यहाँ पर्दा नहीं है। कमला ने हिंदी मिडिल पास कर लिया है, हमारा समय शास्त्रों के पढ़ने में बीतता है। मेरी धर्म पत्नी भोजन बनाती है और कपड़े सी लेती है। मैं उपनिषद और योग वशिष्ठ का तजुर्मा पढ़ा करता हूँ। स्कूल में लड़के बिगड़ जाते हैं, प्रबोध को इसलिए घर पर पढ़ाता हूँ। इतना परिचय दे चुकने पर वृद्ध ने श्वास लिया। मुझे भी इतना ज्ञान हुआ कि कमला के पिता मेरी ही जाति के हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था उसकी और मेरे काम नहीं थी। मेरे कान उधर थे जिधर से माता को लेकर कमला आ रही थी। आपका ग्रंथ बड़ा ही अपूर्व है, दाम्पत्य सुख चाहने वालों के लिए 1,00,000 रुपए से भी अनमोल है। धन्य है आपको, स्त्री को कैसे प्रसन्न रखना, घर में कलह कैसे नहीं होने देना, बाल बच्चों को क्यों कर सचरित्र बनाना, इन सब बातों में आपके उपदेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वर्ग सुख भोग सकता है। पहले कमला की माँ और मेरी कभी कभी खटपट हो जाया करती थी, उसके ख्याल अभी पुराने ढंग के हैं, पर जब से मैं रोज भोजन के पीछे उसे आधा घंटे तक आपकी पुस्तक का पाठन सुनाने लगा हूँ, तब से हमारा जीवन हिंडोल की तरह झूलते झूलते बीतता है। मुझे कमला की माँ पर दया आई, जिसको वह कूड़ा करकट रोज सुनना पड़ता होगा। मैंने सोचा कि हिंदी के पत्र संपादकों में यह बूढ़ा क्यों न हुआ, यदि होता तो आज मेरी तूती बोलने लगती। आपको गृहस्थ जीवन का कितना अनुभव है, आप सब कुछ जानते हैं, भला इतना ज्ञान कभी पुस्तकों से मिलता है। कमला की माँ कहा करती थी कि आप केवल किताबों के कीड़े हैं, सुनी सुनाई बातें लिख रहे हैं। मैं बार बार यह कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार का खूब अनुभव है। धन्य है आपकी सहधर्मिणी, आपका और उसका जीवन कितने सुख से बीतता होगा, और जिन बालकों के आप पिता हैं वे कैसे बड़भागी हैं कि सदा आपकी शिक्षा में रहते हैं, आप जैसे पिता का उदाहरण देखते हैं। कहावत है कि वैश्य अपनी अवस्था कम दिखाना चाहती है और साधु अपनी अवस्था अधिक दिखाना चाहता है, भला ग्रंथकार का पद इन दोनों में से किसके समान है। मेरे मन में आई कि कह दूं कि अभी मेरा 25वां वर्ष चल रहा है, कहाँ का अनुभव और कहाँ का परिवार। फिर सोचा कि ऐसा कहने से ही मैं वृद्ध महाशय की निगाहों से उतर जाऊंगा और कमला की माँ सच्ची हो जाएगी कि बिना अनुभव के छोकरे ने गृहस्थ के कर्तव्य धर्मों पर पुस्तक लिख मारी है। यह सोचकर मैं मुस्करा दिया और इस तरह मुंह बनाने लगा कि वृद्ध समझा कि अवश्य ही संसार समुद्र में गोते मारकर नहाया हुआ है। वृद्ध ने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ भोजन कराया और कमला ने पान लाकर दिया। न मुझे अब कालानगर की मलाई की बर्फ याद आ रही थी और न सन की मित्र की। चाचा जी की बातों में फी सेकंड 70 तो मेरी पुस्तक और उसके राम बाण लाभों की प्रशंसा थी, जिनको सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। फी सेकंड 25 वह मेरी प्रशंसा और मेरे पति जीवन और पितृ जीवन की महिमा गा रहे थे। काम की बात 20वां हिस्सा थी, जिससे मालूम पड़ा कि अभी कमला का विवाह नहीं हुआ है, उसे अपनी फूलों की क्यारियों को संभालने का बड़ा प्रेम है। वह सखी के नाम से महिला मनोरंजन मासिक पत्रिका में लेख भी दिया करती है। सायंकाल को मैं बगीचे में टहलने निकला, देखता क्या हूं कि एक कोने में केले के झाड़ों के नीचे मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियां हैं और कमला उनमें पानी दे रही है। मैंने सोचा कि यही समय है, आज मरना है या जीना है। उसको देखते ही मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी थी और दिन भर वहां रहने से वह धधकने लग गई थी। दो ही पहर में मैं बालक से युवा हो गया था।
अंग्रेजी महाकाव्यों में, प्रेममय उपन्यासों में और कोर्स के संस्कृत नाटकों में जहाँ तहाँ प्रेमिका प्रेमिक का वार्तालाप पड़ा था, वहाँ वहाँ का दृश्य संस्मरण करके वहाँ वहाँ के वाक्यों को देख रहा था, मगर यह निश्चय नहीं कर सका कि इतने थोड़े परिचय पर भी बात कैसे करनी चाहिए। अंत को अंग्रेजी पढ़ने वाले की धृष्टता ने आर्य कुमार की शालीनता पर विजय पाई, और चपलता कहिए, बेसमझी कहिए, ढीठपन कहिए, मैंने दौड़कर कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई और डोलची उसके हाथ से गिर पड़ी। मैं उसके कान में कहने लगा, आपसे एक बात कहनी है। क्या? यहाँ कहने की कौन सी बात है? जब से आपको देखा है तब से। बस चुप करो, ऐसी धृष्टता। अब मेरा वचन प्रवाह उमड़ चुका था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, पर लगा बकने, प्यारी कमला तुम मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारी हो। कमला मुझे अपना भ्रमर बनने दो, मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो, मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, मैं तब तक शांति न पाऊंगा जब तक तुम। कमला जोर से चीख उठी और बोली, आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपकी शिक्षा को और धिक्कार है आपकी विद्या को। इसी को आपने सभ्यता मान रखा है कि अपरिचित कुमारी से एकांत ढूंढकर ऐसी घृणित प्रस्ताव करें? तुम्हारा यह साहस कैसे हो गया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, सुखमय जीवन का लेखक, और ऐसा घृणित चरित्र? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपना काला मुंह मुझे मत दिखाओ, अभी चाचा जी को बुलाती हूं। मैं सुनता जा रहा था, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? यह अग्नि वर्षा मेरे किस अपराध पर? तो भी मैंने हाथ नहीं छोड़ा, कहने लगा, सुनो कमला, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो सुखमय जीवन, देखा तेरा सुखमय जीवन, आस्तीन के सांप पापात्मा, मैंने साहित्य सेवी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समझकर तुझे अपने घर में घुसने दिया और तेरा विश्वास और सत्कार किया। प्रछन्न पापिक, वक्दाम्भिक, विड़ाल वृतिक, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। चाचा जी आकर लाल लाल आंखें दिखाते क्रोध से कांपते हुए कहने लगे, शैतान तुझे यहां आकर माया जाल फैलाने का स्थान मिला? उफ, मैं तेरी पुस्तक से छला गया। पवित्र जीवन की प्रशंसा में फार्मों के फार्म काले करने वाले, तेरा ऐसा हृदय, कपटी, विष के घड़े, उनका धारा प्रवाह बंद ही नहीं होता था। पर कमला की गालियां और थी और चाचा जी की और। मैंने भी गुस्से में आकर कहा, बाबू साहब जवान संभाल कर बोलिए, आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है और सभ्यता सिखाई है, मैंने भी शिक्षा पाई है और कुछ सभ्यता सीखी है। आप धर्म सुधारक हैं, यदि मैं उसके गुणों और रूप पर आसक्त हो गया तो अपना चरित्र प्रणय उसे क्यों न बताऊं? पुराने ढर्रे के पिता दुराग्राही होते हुए सुने गए हैं, आपने क्यों सुधार का नाम लजाया है? तुम सुधार का नाम मत लो, तुम पापी हो। सुखमय जीवन के कर्ता होकर भाड़ में जाए सुखमय जीवन, उसी के मारे नाकों में दम है। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या यह शपथ खा ली कि जन्म भर कुंवारा ही रहे? क्या उसमें प्रेम भाव नहीं हो सकता? क्या उसमें हृदय नहीं होता है? जन्म भर कुंवारा है काहे की? मैं तो आपकी पुत्री से निवेदन कर रहा था कि जैसे उसने मेरा हृदय हर लिया है, वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे दे तो उसके साथ सुखमय जीवन के उन आदर्शों को प्रत्यक्ष अनुभव करूं जो अभी तक मेरी कल्पना में है। पीछे हम दोनों आपकी आज्ञा मांगने आते, आप तो पहले ही दुर्वासा बन गए। तो आपका विवाह नहीं हुआ है? आपकी पुस्तक से तो जान पड़ता है कि आप कई वर्षों के गृहस्थ जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की माता ही सच्ची थी? इतनी बातें हुई थी पर न मालूम क्यों मैंने कमला का हाथ नहीं छोड़ा था। इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परंतु वह हाथ जो क्रोध के कारण लाल हो गया था मेरे हाथ में ही पकड़ा हुआ था। अब उसमें सात्विक भाव का पसीना आ गया था और कमला ने लज्जा से आंखें नीची कर ली थी। विवाह के पीछे कमला कहा करती है कि न मालूम विधाता की किस कला से उस समय मैंने तुम्हें झटक कर
अपना हाथ खींच लिया। मैंने कमला के दोनों हाथ खींचकर अपने हाथों के संपुट में ले लिए और उसने उन्हें हटाया नहीं और इस तरह चारों हाथ जोड़कर वृद्ध से कहा, चाचा जी उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए, बेशक कमला की माँ सच्ची है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती हैं कि कौन अनुभव की बातें कह रहा है और कौन गप्पे हाँक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो कमला और मैं दोनों सच्चे सुखमय जीवन का आरंभ करें। 10 वर्ष पीछे मैं जो पोथी लिखूंगा उसमें किताबी बातें न होंगी, केवल अनुभव की बातें होंगी। वृद्ध ने जेब से रुमाल निकालकर चश्मा पोछा और अपनी आंखें पोछी। आंखों में कमला की माता की विजय होने के शोक के आंसू थे और घर बैठी पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आंसू राम जाने। उन्होंने मुस्कुराकर कमला से कहा, दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। कमला, तेरी माँ ही सच कहती थी। वृद्ध बंगले की ओर चलने लगे। उनकी पीठ फिरते ही कमला ने आंखें मूंद कर मेरे कंधे पर सर रख लिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में साहित्य की दुनिया के जाने माने लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।